आपको मालूम है कि अगर इंसान चांद पर ना गया होता तो अब तक 50 करोड़ से भी ज़्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके होते। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ अ क्रेजी फैक्ट्स। दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि आखिर इंसान को चांद पर जाने से क्या फ़ायदे हुए हैं। जिस दिन से इंसान ने चांद पर कदम रखा था, ठीक उसी दिन से लोगों के बीच में एक मिथ फैलाया गया था कि इंसान कभी चांद पर गया ही नहीं, और यह मिथ काफ़ी लंबे समय तक दुनिया में रहा। आज भी बहुत से ऐसे लोग मिल जाएंगे जो इस बात को मानते हैं कि इंसान कभी चांद पर गया ही नहीं। लेकिन आपको बताते हैं कि इस बात के सारे प्रूफ मिल चुके हैं कि इंसान चांद पर गया भी था और वहाँ की धरती की सैर भी की थी। साथ ही साथ वापस लौटते वक्त वहाँ से कुछ वैज्ञानिक नमूने भी चांद की धरती से जुटाकर लाए थे। इंसान के चांद पर जाने के बाद कुछ लोगों का यह भी कहना था कि अमेरिकन गवर्नमेंट इतना पैसा क्यों खर्च कर रही है, जबकि इन पैसों में गरीब लोगों को मेडिकल और एजुकेशनल हेल्प प्रोवाइड की जा सकती है। शायद आप लोगों को भी लगता होगा कि इंसान ने चांद पर जाकर बस पैसे की बर्बादी की है, या फिर अमेरिका ने यह सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट के तौर पर किया है। और हो सकता है कि इंसान को चांद पर भेजने में अमेरिका के कुछ पर्सनल इंटरेस्ट शामिल हो, जिसमें कि कोई शक नहीं है। लेकिन इंसान को चांद पर भेजने से जो फ़ायदे पूरी इंसानियत को हुए हैं, उसकी तुलना नहीं की जा सकती, और वह सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए बहुत फ़ायदेमंद हुई है। आज से 50 साल पहले जब अपोलो मिशन चांद पर गया था, तब उसने इतनी इन्वेंशंस को जन्म दिया था जो कि इंसानियत के लिए बहुत यूज़फुल रही है। जब अपोलो रॉकेट को लॉन्च किया जा रहा था, तब इंजीनियर्स के सामने बहुत बड़ी समस्या आ गई थी कि रॉकेट से निकलने वाले वाइब्रेशन को कैसे कंट्रोल किया जाए। उस समय इंजीनियर्स ने शॉक एब्जॉर्बर टेक्नोलॉजी का आविष्कार किया, और आज यही तकनीक ऊंची-ऊंची बिल्डिंगों में भूकंप को रोकने के लिए इस्तेमाल की जाती है। अगर अपोलो मिशन में यह शॉक एब्जॉर्बर की तकनीक का आविष्कार ना हुआ होता, तो आज ऊंची-ऊंची बिल्डिंगें खड़ी नहीं हो पाती और ना जाने कितने लोग भूकंप में अपनी जान गंवा चुके होते। रेलवे लाइन, रेलवे ब्रिज और भारी भारी ट्रांसपोर्टेशन के पुल भी इतनी मजबूती के साथ नहीं बन पाते। जब नासा अपने एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर भेज रहा था, तो उनकी हेल्थ की इंस्पेक्शन के लिए मेडिकल मॉनिटर बनाए गए थे, जो कि आज हर हॉस्पिटल में इस्तेमाल किए जाते हैं और इंसान के दिल, सांस और खून के लेवल को लाइव मॉनिटर करते हैं। अपोलो मिशन के दौरान एस्ट्रोनॉट और रॉकेट को एक एंटी रेडिएशन शीट से ढका गया था, जिसे रेडिएंट बैरियर इंसुलेशन भी कहा जाता है। एस्ट्रोनॉट के कपड़े खास पॉलीमर फाइबर से तैयार किए जाते हैं, जिनमें आग नहीं लगती। इन्हीं कपड़ों का यूज़ भी फायर फाइटर्स लोगों को आग में से निकालने के लिए करते हैं। आपने अक्सर देखा होगा, जब भी कहीं पे बाढ़ आती है तो एनडीआरएफ की टीम एक ऑरेंज बोट लेकर लोगों को रेस्क्यू करती है, और एक बोट को इन्फ्लेटेबल राफ्ट्स कहा जाता है। इसका एडवेंचर भी अपोलो मिशन का एक हिस्सा था। इन्हें तब बनाया गया था जब अपोलो मिशन के एस्ट्रोनॉट को वापस धरती पर आना था। अपोलो मिशन के एस्ट्रोनॉट्स के लिए खास तौर पर हियरिंग गैजेट बनाए गए थे, जो उन्हें सुनने में मदद करते थे। आज यही गैजेट्स हमारे बीच बहुत यूज़ किए जाते हैं। अब ज़रा सोचिए, अगर यह इन्वेंशन हमारे बीच ना हुई होती, तो कितने लोग अपना जीवन गंवा चुके होते, या फिर आज हम लाइफ को इतना एंजॉय नहीं कर पाते। क्या कर रही हूँ? सब
सब्सक्राइब का बटन दबा दो प्लीज, और घंटा भी दबा दो। ओके बाय।